खट्टे डकार। तीन किस्म की डकारों का वर्णन हो चुका है, एक चौथी किस्म की डकार भी होती है। ये कब आती है? जब हम भोजन कर लेते हैं, भोजन मतलब अनाज, जिसमें रोटी सब्जी चावल सब्जी इस तरह के पदार्थ होते हैं, और भोजन किए हुए 5-6 घंटे हो जाते हैं। तो जैसे कल आपको बताया गया था, 5-6 घंटे के बाद आमाशय को खाली होना होता है, वो भोजन हाजम हो जाना हो, उसके बाद वहाँ से भोजन खिसक जाएगा नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, हाजमे का काम आगे चल के फिर चलेगा। जैसे ही वो भोजन 6 घंटे बाद नीचे जाएगा, तुरंत आमाशय सुखड़ेगा, फिर हमें एक डकार आएगी, उसको क्या कहते हैं? भूख डकार। क्या कहते हैं? भूख डकार। भूख डकार का मतलब ये नहीं कि आपको भूख लग गई अब खा लो। हमारे कुछ विद्यार्थी अब लिखने का प्रयास करते हैं, लिखना एक अच्छी आदत है, मना नहीं है, बहुत अच्छा है, मगर जब हम लिखते हैं तो ध्यान लिखने की तरफ रहता है, दिमाग में बात नहीं जाती, और ये डायरी जो हम लिखते हैं ये घर जाके कभी नहीं खुलती, तो इसलिए विशेष बात को लिख सकते हैं, पूरी बात को मत लिखें। पूरे प्रोग्राम के बाद एक पुस्तक आपको मिल जाएगी, पुस्तक हमारी मिलेगी, आपकी किट के अंदर एक पुस्तक है रोगों से बचाव, उस पुस्तक के अंदर पिछले 16 वर्ष के एक्सपीरियंस में जितना भी मेरे पास है वो लगभग सब उसमें है, कोई ऐसा शब्द नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो उसमें ना हो, तो इसलिए वो सब लिखा हुआ ही आपके बैग में है। तो विषय क्या चल रहा है, कौन सी डकार पे हैं हम? भूख डकार। भूख डकार जो है ये कब आती है? 6 घंटे के बाद। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूख लगी और खा लो। आमाशय हमें ये कहता है, आपने मेरे को जो काम दिया था मैंने अभी अभी पूरा किया है, अब मेरे को 1-2 घंटे का आराम दे दो, फिर आप जो मेरे को काम दे दोगे मैं खुशी से करूँगा। हर व्यक्ति काम करने के बाद रेस्ट तो मांगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार अगर अनाज खा लिया तो 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना। इसीलिए हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में कहा जाता है, जो दिन में एक बार खाएगा वो योगी, 2 बार खाएगा वो भोगी, और जो 3 बार खाएगा रोगी। क्या खाएगा? अनाज। किसी भी तंदुरुस्त व्यक्ति को दिन में 2 बार से ज़्यादा भूख नहीं लगती। पहले के लोग खाली पेट खेत में जाते थे, पहले पहर का काम करते थे, 11 बजे के आसपास उनका भोजन खेत में जाता था, वहीं भोजन करते थे, उसके बाद पेड़ के नीचे आराम करते थे, फिर उसके बाद दूसरे पहर का काम करते थे, फिर घर वापस आते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे। हाँ या ना? आपके घर में पेंटर, कारपेंटर, राजमिस्त्री, मजदूर जो लोग भी आते हैं, आजकल वो चाय पी के आने लग गए वो बात दूसरी है, वो घर से खाली पेट आते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, 1/2 घंटा आराम करते हैं, आपके घर में ही करते हैं, आपके सामने करते हैं, जरूर करते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं, फिर घर जाके खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो जब हम 3-3 बार अनाज खाने लग गए तो 8-8 घंटे तीनों अनाजों को लगते हैं, 24 घंटे पूरे हमारे पाचन तंत्र को कभी भी आराम नहीं मिलता। भूख डकार। भूख डकार कब आती है, इसकी पहचान क्या है? भूख डकार जब आती है उस डकार का कोई स्वाद नहीं होता, खट्टे डकारों का स्वाद होता है, उस डकार की कोई गंध नहीं होती। अगर आपने अमरूद ज़्यादा खा लिए तो डकार आएगा, तो डकार के अंदर अमरूद वापस आएगा आपके मुंह के अंदर, अमरूद वापस नहीं आएगा तो अमरूद का स्वाद वापस आएगा, लेकिन वो जो डकार है
उसका कोई स्वाद नहीं होता, उसकी कोई गंध नहीं होती, और जब वो आती है शरीर के अंदर हल्केपन का अनुभव होता है, एक विशेष किस्म की अनुभूति, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल से हम यहाँ आए हैं हमें हल्का हल्का सा लग रहा है। वो हल्का हल्का इसलिए लग रहा है कि आप भूख डकार आने की पोजीशन में पहुँचते हैं, वरना तो हम घर पे जो खा रहे हैं उसमें वो पोजीशन ही हमारे शरीर की बनती नहीं। चार किस्म की डकारों का वर्णन हो चुका है, दो किस्म की डकारें हर तंदुरुस्त व्यक्ति को आनी चाहिए। जो ये कहानी डकारों की कहानी पहली बार सुन रहे हैं उनमें से कोई भी हाथ खड़ा करेंगे और उत्तर देंगे, वो कौन सी दो डकारें हैं जो हर स्वस्थ व्यक्ति को आनी चाहिए। हाँ जी गुप्ता जी आप बताएं। पहली वाली और चौथी वाली। बहुत सुंदर। मैं 15-16 सालों से लगभग इस तरीके से बोल रहा हूँ और डकारों के बारे में मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूँ, आज तक पहली बारी इस तरीके से उत्तर मिला है, नहीं तो नाम लेते हैं और कुछ भूल जाते हैं। तो गुप्ता जी ने मतलब नाम लेने का चक्कर ही खत्म कर दिया, पहले बारी और आखिरी बारी बोल दिया। तृप्ति डकार और भूख डकार, और दो किस्म की डकारें किसी को नहीं आनी चाहिए। अब नाम लेना पड़ेगा, इतना सिंपल नहीं चलेगा। पूर्ण डकार और खट्टे डकार। अब हम आपके साथ अभी और दो दिन हैं, तो भोजन तो आप करोगे, ये तो पक्की बात है। तो करने के बाद अगर आपको तृप्ति डकार ना आए, ऐसा होगा, तो या तो आप अपने आप समझ जाना कि क्यों नहीं आ रही तृप्ति डकार और भूख डकार। अगर ना आए, अगर आपको अपने आप उत्तर मिल जाए अंदर से कि इसका कारण क्या है, तो ठीक। अगर आपको उत्तर ना मिले तो अगले सेशन में जब जब आपकी फीलिंग आए आप प्रश्न कर सकते हैं कि मेरे को भूख डकार क्यों नहीं आती, मेरे को तृप्ति डकार क्यों नहीं आती, फिर आप हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। अभी ये होमवर्क है आपके लिए कि आप खाना खाएंगे और चेक करेंगे कि मेरा हेल्थ स्टेटस क्या है, कौन सी डकारें मेरे को आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं। चेक तो कर लिया आज। आज चेक कर लिया आप, इसलिए कि आपने पहले सुन रखा है। नहीं। हाँ पहली बार सुना आपने भी। अच्छा इतने समय से आप हमारे साथ हैं लेकिन ये बात आपने पहली बार सुनी है। ठीक। तो मतलब इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हम आज नहीं लेंगे, कल इस टॉपिक के ऊपर, डकारों के टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन लेंगे, ताकि पूरी तरह सभी लोग तैयार हो जाएं, देख लें कि क्या हो रहा है, अभी तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, और इन डकारों के बारे में किसी पुस्तक में नहीं है। कितना मतलब कितने गुलाम हैं हम के हमारी एजुकेशन आज भी गुलाम है। हम आज़ाद हो गए लेकिन किताबें, पद्धति, ट्रीटमेंट, स्वस्थ कैसे रहें, वो सब हमारा विदेशों से संचालित है। तो विषय क्या चल रहा है? गलत आदतें। तो पहली गलत आदत, बिना भूख के खाना, हंगर लेस ईटिंग। दूसरी, ओवर ईटिंग, मात्रा में ज़्यादा खाना। तीसरी, मन अशांत हो तो भी खाना, चिंता में, गुस्से में और जल्दी में खाना। ये बात समझ में कम लगती है। हमारे पास टेंशन डिप्रेशन के रोगी आते हैं, हम उनको कहते हैं ये भोजन में कुछ बदलाव करो, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। रोग तो मेरे यहाँ पर है, इसका कुछ कर दो, इसको मत छेड़ो, ये तो ठीक है, इसको चलने दो। लेकिन हम क्या करें, इसका और इसका बड़ा गहरा रिश्ता है। अब ये रिश्ता क्या है वो हम समझने का प्रयास करें कि अगर हम गुस्से में हैं या जल्दी में हैं या मतलब किसी भी कारण से जिससे हमारा मन अपसेट हो गया, तो फिर पाचन तंत्र के साथ उसका क्या रिश्ता है। सुबह से घर से निकले हुए थे, शाम तक वापस आए काम करके, मन में इस विचार के साथ आए
कि काफ़ी भूख लगी है, घर जाते ही खाना खा लूँगा क्योंकि मैंने बाहर कुछ खाया नहीं। अगला विचार मन में है कि मैं थक गया हूँ, खाना खाने के बाद आराम करूँगा। तो जैसे ही भोजन की थाली आगे आती आई है, तुरंत एक फ़ोन आता है, उसको वहाँ ले गए, जल्दी आ जाओ, उस हॉस्पिटल में ले गए, अटैक हो गया, जल्दी आ जाओ। हम घर वालों को कहते हैं ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, और फ़ोन सुनते ही मेरी भूख मर गई। ऐसा होता है या नहीं? होता है ना, मेरी भूख मर गई, अब इस थाली को उठा के ले जाओ। घर वाले क्या कहते हैं? जी जल्दी जल्दी दो रोटियां खा लो, फिर पता नहीं कब होगा। तो जो हम वो जल्दी जल्दी दो रोटियां खा लेते हैं, वो हाजम नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस सूचना को सुन के हमारा मन अशांत होता है, तुरंत जो अंदर वाला है, ये अंदर वाले को बहुत चिंता है हमारी। अंदर वाला सोचता है भी अब इसको तो टेंशन हो गई, अब इसको जो मुसीबत आई है उसका सामना करने के लिए शक्ति चाहिए। इन्वर्टर सिस्टम, कल समझाया था ना, सेम टॉपिक। वो इन्वर्टर सिस्टम की तरह है अंदर वाला, कि उसको तो अटैक हो गया, उसका तो एक्सीडेंट हो गया, उसकी सूचना सुन के इसको ना हो जाए। तो हमें बचाने के लिए हमारी पूरी शक्ति को तनाव का सामना करने के ऊपर लगा दिया जाता है, और भूख को मार दिया जाता है ताकि भोजन को हाजम करने के ऊपर जो शक्ति लगेगी वो बच जाए। एक ही काम होगा, जब पंखे ट्यूब में चलेंगी या टीवी चलेगा, तो हमें हमारी पूरी शक्ति उधर लगा देती है, दी जाती है। हम इस विज्ञान के बारे में नहीं जानते। हमारे पास MSc की डिग्री हो सकती है, BSc की डिग्री हो सकती है, MBA हो सकती है, लेकिन हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है जो हमारे शरीर के साथ रोज होता है। तो हमारी पूरी शक्ति को तनाव का सामने करने के ऊपर लगा दिया जाता है और भूख को मार दिया जाता है। उस अवस्था में भोजन नहीं लेना। उस अवस्था में आप कोई संतरा, कोई फ्रूट, कोई नारियल पानी, कोई भी हल्की चीज़ जो प्राकृतिक भोजन है वो लेके आप अपने काम पे, अपनी जो भी वहाँ जा सकते हैं, या कुछ भी ना लें, या अगर लेना ही चाहते हैं तो नारियल पानी या कोई फल ले लें। कंप्लीट भोजन उस अवस्था में नहीं लेना। चिंता में, गुस्से में, जल्दी में मन अशांत हो, इसीलिए टेंशन डिप्रेशन वाले रोगियों का पेट खराब जरूर होता है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी शक्ति यहाँ लगी रहती है, जो विचार चलते हैं, और पेट को हाजम, खाना खाना हाजम करने के लिए बचता नहीं, शक्ति नहीं बचती, और उनका पेट खराब हो जाता है। इसीलिए उनको पेट को भी आराम देना पड़ता है, तभी उनकी टेंशन ठीक होती है। तो मैंने पहले कहा कि अब भी हम गुलाम हैं, एजुकेशन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। हमारे पूर्वज, भारतीय पूर्वज, हमारे ऋषि मनीषी कितने बड़े साइंटिस्ट थे, आप जरा समझिए। हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ। लगभग सभी, काफ़ी स्टेट्स हम कवर कर चुके हैं, तो सभी जगह हम ये इस बात के बारे में पूछते हैं। बहुत ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पर ट्रांसलेटर हमारे साथ बैठता है। महाराष्ट्र में गए, वो हम बोलते हैं, फिर वो ट्रांसलेटर करके उसी भाषा में बोलते हैं। तो हमने वहाँ पर ये प्रश्न किया कि वो सेम उत्तर मिला कि हमारे यहाँ भी ये रवायत है। हमारे भारत में एक परंपरा है कि अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए, जब तक उसका दाह संस्कार ना हो जाए, तो चूल्हा नहीं जलता, भोजन नहीं पकाया जाता। हाँ जाना, हमारे भारत में पहले के दिनों में लड़की की शादी में जब तक फेरे ना हो जाएं, लड़की के माता पिता भोजन नहीं करेंगे। हाँ जाना, ये परंपरा सभी स्टेट्स में है। यहाँ पर हमारी भाषा भी नहीं समझते, वहाँ भी है, दोनों।
क्यों? क्योंकि दोनों अवस्थाओं में परिवार वालों को काफी तनाव है, इस अवस्था में भोजन हजम नहीं हो सकता। तो हमारे पूर्वज, हमारे भारतीय पूर्वज कितने महान साइंटिस्ट थे और कितने महान चिकित्सक थे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। भारत जगत गुरु था, भारत जगत गुरु है और भारत जगत गुरु रहेगा। जो बात आज आप इस छोटे से पार्क में बैठ के चंद लोग सुन रहे हो, समय आएगा इस साइंस को पूरे विश्व को जानना पड़ेगा। कब? हालत इतनी खराब होती जा रही है, आज किसी हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं वो आपके ऊपर एहसान करते हैं कि एक बेड है, आया ना एक बेड है, ऐसे एहसान करते हैं आपके ऊपर और आप भी एकदम खुश हो जाते हैं, एक तो है। तो अभी तो एक है, अभी ऐसी हालत होने वाली है कि नहीं है। हॉस्पिटल में क्या, आपको घर में भी नहीं मिलेगा, लेटने वाले इतने हो जाएंगे कि घर में भी लेटने की व्यवस्था नहीं रहेगी। फिर इसी साइंस को समझना पड़ेगा सभी को, क्यों? हमारे समाज के अंदर जब तक समस्या भयंकर विकराल रूप धारण ना कर ले तब तक लोग जागते नहीं, कितना ही जगाओ नहीं जागते। क्यों? आसान रास्ता चाहिए, हर व्यक्ति आसान रास्ता ढूंढता है। किसी को बोल के देखो आपके चार दिन के लिए वहां आ जाओ, आपने कईयों को कहा था ना, बेकार की बात। मैंने भी बोला था कि हाँ, दो वीडियो दिखाई, हाँ आप ये कहाँ उल्टे चक्रों में पड़े रहते हैं, कहाँ उल्टे चक्रों में। मैंने भी लोग ये कहते हैं, कहते खाओ पियो मौज लो, जिंदगी में करने क्या आए हैं, करने क्या है, ये बात हमें ही मिल रहा है। अरे ये बात हम भी कहते हैं, खाओ पियो मौज करो। जो मौज हम कर सकते हैं, जितनी समय तक, लंबे समय तक की जा सकती है, वो क्या कर सकते हैं। अगर 36 बीमारियां लग जाए तो सब कुछ खाना पीना बंद हो जाता है। खा पी तो सकता ही स्वस्थ बंदा ही तो खा पी सकता है। जो बीमारियों की लिस्ट लेके साथ घूम रहा है वो क्या खाएगा। नेचुरल लाइफस्टाइल द्वारा 4 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स बी योर ऑन डॉक्टर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप इस जीवन शैली को अपनाकर अपने अधिकतर रोगों से मुक्त हो सकते हैं और इसका आश्चर्यचकित लाभ केवल 4 दिनों में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए निकालिए जीवन के केवल 4 दिन। कोर्स की विशेषताएं, आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी और नेचुरल लाइफस्टाइल की टीम के साथ रहने का मौका, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए भोजन का रसास्वादन, टोना, पट्टी, स्पाइनल टब बात, सन बात, प्राणायाम इत्यादि का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप काउंसलिंग द्वारा तनाव मुक्त एवं प्रसन्न चित्त जीवन। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनिमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09953722272।